हेलो दोस्तों, मैंने बनाया आलू और चिकन। ये देख सकते हो आप, प्याज टमाटर मैंने मिक्सी ग्राइंडर कर दिया है और इस पर मैंने फ्राई कर दिया प्याज टमाटर एक साथ। मिक्स मसाला डाल देती हूँ और उसके बाद आती है बारी नमक की। फिर नमक डाल देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर देती हूँ और उसके बाद छोड़ देती हूँ, फुल पानी भर देती हूँ। तो उसके बाद डालती हूँ आलू। आलू को थोड़ा 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ। पहले मैंने आलू को तला है और इसके बाद आती है बारी चिकन की। और अब चिकन डाल देते हैं। चिकन को डालते पहले फ्राई कर देंगे चिकन को भी अच्छी तरह। उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा हल्का हल्का पानी, हल्का हल्का डालते 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 और थोड़ा 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 डालना है पानी, ज़्यादा नहीं डालना है एकदम, थोड़ा हल्का थोड़ा, एक बार थोड़ा 5 मिनट बाद, थोड़ा 10 मिनट बाद। और इसके बाद मैं ढक लेती हूँ। इसको ढकने के बाद खोल दिया है और ये पक गए मेरे आलू भी और चिकन भी। अब इसको परोसते हैं, खाते हैं। बाय बाय।